नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ट्विटर पर AGTA रिजल्ट के लिए अभियान चला रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी भी इस अभियान में बहुत कम ही लोग जुड़े हैं, यानी कहें कि बहुत कम ही लोग ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, आप हमारा साथ दीजिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विटर यूज करना नहीं जानते हैं, तो मैं ये वीडियो उनके लिए लाया हूँ जो ट्विटर चलाना नहीं जानते हैं। तो मैं इस वीडियो में उनको बताऊँगा कि कैसे ट्विटर पर अपना अकाउंट बनाएं, यानी साइन अप करें, और अपना जो हैशटैग है एग्रीकल्चर टीए रिजल्ट, उसको यूज करते हुए हम कैसे अपना रिजल्ट के संबंध में ट्वीट करें, और किसी को टैग करना है तो कैसे टैग करें, ये सारा चीज़ आपको बताऊँगा। बहुत ही आसान लगेगा आपको, ज़्यादा अब टफ नहीं, कुछ करना नहीं, बस ट्वीट करना है, बस हमें हमारा साथ दीजिए। जब भी हम टाइम डिसाइड करते हैं उस समय आकर बस जल्दी से जल्दी 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 ट्वीट करना है आपको, बस यही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आप बहुत समय अपना दूसरे जगह वेस्ट कर देते होंगे, कुछ समय यहाँ पर भी दे दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आप ट्विटर पर हमारा साथ दें तो हम रिजल्ट को लेकर कुछ न कुछ पॉजिटिव रिस्पांस ज़रूर मिल जाएगा हम लोगों को। हो सकता है रिजल्ट इसी महीने जारी हो जाए। तो मैं आपसे एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि ट्विटर पर हमारा साथ दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको ट्विटर पर अकाउंट बनाने के लिए आपको प्ले स्टोर से ट्विटर डाउनलोड करना पड़ेगा। मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे सभी लोग जानते होंगे। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, यहाँ पे आप ट्विटर सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन खुल कर आ जाएगा। ये है ट्विटर, ये देखिए मैंने से पहले से ही डाउनलोड कर रखा है, इसलिए अपडेट दिखा रहा है। अगर आप डाउनलोड नहीं किए रहेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल दिखाएगा। उसके बाद आपको इंस्टॉल करने के बाद ये ऐप खोलना है। ट्विटर जैसे ही खोलेंगे आपको यहाँ पर देखिए क्रिएट अकाउंट दिखा रहा है नीचे, लॉगिन। जिसका पहले से अकाउंट बना है वो लॉगिन कर सकता है, जिसका नहीं बना है उसको क्रिएट अकाउंट पर जाना होगा। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट में जाने के बाद आपको सबसे पहले अपना आपका नाम लिखना होगा, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया माई एग्रीकल्चर। यहाँ पर आप जो है फ़ोन नंबर से भी आप साइन अप कर सकते हैं या फिर मेल से भी कर सकते हैं, मैं आपको मेल से करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप चाहेंगे तो फ़ोन नंबर से भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं मेल डाल देता हूँ। मेल डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करते जाना है, उसके बाद आपको साइन अप यहाँ दिखाएगा, यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन कोड डालना होगा, जो आपने मेल या फिर मोबाइल नंबर डाले हैं तो मोबाइल नंबर पे वो कोड आएगा, मेल डाले हैं तो मेल पर आएगा। तो मेरे मेल पर कोड आ गया है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। ये देखिए, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपको पासवर्ड सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, आपको प्रोफाइल पिक्चर जो है अपलोड करने का ऑप्शन देगा। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर स्किप कर सकते हैं। ठीक, मैंने स्किप कर देता हूँ। इसमें अपना योर बायो, आप कुछ भी आप अपने बारे में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, आप जो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको ये लैंग्वेज चूज करने के लिए पूछेगा, आप लैंग्वेज चूज कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर आप इसमें आपका जो मन चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप करते जाइए, मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, अब आप चाहें जिसको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्वीट करना है। सबसे पहले देखिए, जिसको जिसको ट्वीट करना है, अगर आप उसको फॉलो कर लेंगे, जिसको उसको ट्विटर में आपको टैग करना है, सॉरी, जिसको उसको टैग करना है उसको आप फॉलो कर लेंगे तो आसानी रहेगी आपको सर्च करने में उसका ट्विटर हैंडल। तो मैं आपको जैसे सबसे पहले योगी आदित्यनाथ CM है, इनको फॉलो कर लेता हूँ, और भी हैं जैसे कृषि मंत्री का है, तो आपको सर्च करना है
तो सर्च कर सकते हैं, ये अपने आप दिखा रहा है लेकिन आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। ये आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, बन चुका है। अब आपको ट्वीट कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ट्वीट करने के लिए ये जो ब्लू कलर में ये दिखा रहा है ना सर्किल में, यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं रिजल्ट के संबंध में। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको हैशटैग जो इस्तेमाल करना है वो बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना है, क्योंकि ट्रेंड तभी होगा जब हम सही तरीके से हैशटैग को अपने ट्विटर में लिख पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम लोग जो ट्वीट अभी ट्रेंड कराए थे एग्रीकल्चर टी रिजल्ट, इसके लिए जो हमारा हैशटैग था वो ये था। देखिए इतना लिखते ही ये जो हैशटैग है वो आ गया। तो ये हैशटैग आप यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद आप जो कुछ भी लिखना चाहें, मान लीजिए कुछ लिख दीजिए कि आप रिजल्ट जारी करो, ये आप लिख दिए। बस इसको यहाँ से ये जो दिखा रहा है सर्कल में ट्वीट, इस पर आप जैसे ही टच करेंगे ये आपका ट्वीट हो जाएगा। ये आपको मैं सिंपल बताया कि अगर कुछ नहीं करना जानते हैं इतना कर सकते हैं। आपको उसमें जो हमारा हैशटैग है वो ज़रूर लिखना होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये आपका जो मैंने हैशटैग बताया वो हैशटैग आप लाइए, ये आप लिखना पड़ेगा आपको एग्रीकल्चर टी। देखिए यहाँ पे आ गया AGR, लिखने पे ही आ गया। ये आप हैशटैग यहाँ पे लिख लिए, उसके बाद आप मान लीजिए कुछ रिजल्ट के संबंध में लिख लिए। फिर उसके बाद आपको जिसे टैग करना है किसी को, मान लीजिए हमको CM को टैग करना है, तो यहाँ पे जाइए, ये एट द रेट दिखा रहा है, एट द रेट आप करेंगे। उसके बाद देखिए आपने फॉलो किया इसलिए आपको यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन आपको कुछ लोगों का ट्विटर हैंडल याद रखना पड़ेगा। जैसे योगी आदित्यनाथ का जो है वो MYogiAdityanath है, तो आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे MYogi, देखिए आ गया। तो अब इनको टच कर दीजिए, ये हो गया। फिर मान लीजिए हमको कृषि मंत्री को करना है तो एट द रेट लगाएंगे, जिसको टैग करना होगा वहाँ पे एट द रेट लगाते हैं। अगर हैशटैग लिखना है तो हैश जो होता है वो हम लिखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कृषि मंत्री का जो ट्विटर हैंडल है वो SP Sahi है, तो यहाँ पे SP Sahi जैसे लिखते हैं, देखिए दिया गया सूर्य प्रताप शाही, ये हैं कृषि मंत्री, तो इनको आप टैग कर सकते हैं। तो ऐसे आपको ट्वीट करना है। अगर आपको ऐसे भी नहीं कर पाते हैं तो आप सीधा सर्च में जाइए, आप सीधा सर्च में जाइए, यहाँ पर हैशटैग जो चल रहा है आपका एग्री, ये आ गया आपका आज का जो ट्वीट है 260 ट्वीट हुआ है। इस पर सेलेक्ट कीजिए, इससे संबंधित जितने भी ट्वीट हुए होंगे आज या इसके पहले जितने भी ट्वीट हुए होंगे वो आपका सारा यहाँ पे दिखाएगा। देखिए तो आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम रीट्वीट कर सकते हैं। अगर ट्वीट नहीं करना फिर भी आप इतना आसान है आप जान गए होंगे, तो यहाँ पे खोलेंगे, देखिए जितने भी लोग ट्वीट किए हैं सबके नाम दिखा रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे इनका ट्वीट है इस पर आप रीट्वीट मार दीजिए, ये हो गया। जैसे इनका ट्वीट है आप इस पर रीट्वीट मार दीजिए। बस रीट्वीट मारने पे भी एक ट्वीट काउंट होता है, तो आप ऐसे रीट्वीट मारते रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा ट्वीट हो जाएगा। तो आप इतना भी कर सकते हैं, नहीं फिर अगर इसमें भी ट्वीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे ये सर्कल दिखा रहा है इस पर जाएंगे, यहाँ पे तो वो टैग जो अपने आप आ जाएगा, यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे जो लिखना चाहते हैं रिजल्ट के संबंध में लिखिए, और फिर किसी को टैग करना चाहते हैं तो फिर @ लगाइए। फिर ये जिसको टैग करना है उसका ट्विटर हैंडल थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ, ये हो गया, ये हमने डाल दिया इनका। वैसे ही आपको ट्वीट कर सकते हैं। देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया आपको बताने की। अगर आपको कुछ भी और समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप सबसे निवेदन है ज़रूर हमारा साथ दीजिए ट्विटर पर। धन्यवाद।